दुनिया में अगर कलाकार न हो तो दुनिया अधूरी हो जाएगी, नीरस हो जाएगी। तभी तो कहा जाता है कि कलाकार की कलाकारी के सामने सब फीका होता है। आपने बड़े बड़े स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया के अलग अलग कोने में बहुत सारी ऐसी भी जगह हैं, ऐसी भी स्ट्रीट हैं, जहां सालों से होती हुई आ रही हैं एक से बढ़कर एक स्ट्रीट परफॉर्मेंस। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि भाई वाह, कलाकार हो तो ऐसा। बस दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले वो लोग जो वीडियो देखकर ऐसे ही निकल लेते हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में घंटी दिख रही है ना, उसे भी हिला डुला दो। नंबर वन, दोस्तों सबसे पहले हम आपको आज दिखाते हैं द गोल्डन मैन की परफॉर्मेंस। दोस्तों ये पूरे इंग्लैंड में बहुत पॉपुलर हैं, और जो लंदन जाते रहते हैं उन्हें पता है कि द गोल्डन मैन किस लेवल का परफॉर्मेंस देने के लिए जाने जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब आप ही कहिए कि इन्हें देखकर कौन कहेगा कि ये इंसान है, या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये स्टैचू है। दोस्तों ये इनका सबसे कॉमन स्टाइल है, अपने आप को ऐसे शो करना कि ये जैसे कुर्सी पर बैठे हैं, और इनके हाथों में है ये बियर मग। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सबसे खतरनाक स्किल है इनका। कहा जाता है कि इनके पैर में भी बहुत तरह की चीजें लगी हुई होती हैं, तभी तो ये इतने सारे ट्रिक कर पाते हैं। दोस्तों साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये अचानक ही किसी को अपने एक्सप्रेशन से डरा भी देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पर डे इनकी अर्निंग लाखों में होती है। इस तरह की आपको गोल्डन मैन लंदन के तमाम अलग अलग गली में दिख जाते हैं। नंबर टू, दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं ऐसे स्ट्रीट आर्टिस्ट की कहानी जो कि है सबसे अलग। दोस्तों इस आर्टिस्ट का नाम तो हमें नहीं पता है, लेकिन आपको बता दें कि इंटरनेट पर इन्हें रशिंग मैन के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हें देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये अपने ऑफिस जाने के लिए कितनी जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये तो ऑफिस जाते ही नहीं है, क्योंकि ये तो है आर्टिस्ट। एक्चुअली इन्होंने अपना मेकओवर ही कुछ ऐसा किया है कि ये बड़े ही कमाल के दिखते हैं। ये देखिए दोस्तों, लोगों को लग रहा है कि एक इंसान कितने जल्दबाजी में है, वही ये सिर्फ अपनी जगह पर ही खड़े हैं। वाकई में ये कमाल के आर्टिस्ट हैं। वैसे दोस्तों एक ही जगह पर कई घंटे तक खड़े रहना आसान काम नहीं है, लेकिन इन्होंने हर काम को आसान बना दिया है। इनकी स्माइल भी बहुत क्यूट है। दोस्तों बस आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, आगे आपको और मजा आने वाला है। नंबर थ्री, दोस्तों अब ये भी देख लीजिए, ये है अलादीन का चिराग। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप इस स्ट्रीट परफॉर्मर के बारे में जान जाइए। दोस्तों कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट शुरू किया है वोलांती नाम की ग्रुप ने। आप ये देखिए किस तरह से एक चिराग से एक इंसान निकल रहा है। आपने बचपन में कई बार इस तरह की कहानी पढ़ी होगी। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता था कि इस चिराग से जो भी मांगो वो आपको मिल जाता था। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से इस तरह की कलाकारी हमें यूरोप के कई सारे देशों में देखने को मिल गई है। दोस्तों आपको बता दें कि वोलांती ग्रुप ने अपने परफॉर्मेंस से इटली के स्ट्रीट परफॉर्मेंस में सबका दिल जीत लिया था। वाकई में दोस्तों ये भी एक अजूबा ही है कि कैसे इन्होंने अपने बॉडी को होल्ड किया हुआ है। वाकई में ये किसी को नहीं पता है कि एक चिराग से निकलती लौ में कैसे एक इंसान को खड़ा होते हुए दिखाया गया है। दोस्तों मजा आ गया इन्हें देखकर। वैसे मेरे दोस्तों किस कस्बे से इस वीडियो का लुत्फ उठा रहे हो आप। नंबर फोर, दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे स्ट्रीट परफॉर्मर से जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हैं इंग्लैंड के टीवी प्रेजेंटर। दोस्तों इनके बारे में एक ही बात कही जाती है कि ये अपने घर के हर सामान को रोड पर चला चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा तो ये देखिए, सोफा सेट में इन्होंने इंजन लगाया और रोड पर निकल पड़े। दोस्तों सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये जो आप सोफा सेट देख रहे हैं, जिसे इन्होंने गाड़ी बनाया है, इसे 140 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से ये चला चुके हैं और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप नजर डालिए इनके स्टीयरिंग पर, ये भी इन्होंने बनाया है घर के प्लेट से। साथ ही दोस्तों उस प्लेट में खाने पीने का सामान भी रखा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि सोफा सेट में सीट बेल्ट भी है, तो साथ ही गियर बदलने के लिए मस्त सिस्टम भी। दोस्तों इतना ही नहीं, इनके नाम कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। ये टॉयलेट को भी गाड़ी बना चुके हैं, तो बेड का भी। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने किसी भी घर के आइटम को नहीं छोड़ा है। नंबर फाइव, दोस्तों अब इनसे भी मिल लीजिए। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये जो ब्रेक ग्लास स्टैचू में आपको दिख रहे हैं वो इंसान है? जी हाँ दोस्तों, यही तो खासियत है आर्टिस्ट की, और इस मामले में तो स्ट्रीट परफॉर्मर्स ने कमाल ही कर रखा है। दोस्तों ये है मोर्टेंसन, जो कि है सबसे सॉलिड परफॉर्मर। दोस्तों आपको इनके बारे में बता दूं, ये हैं तो इक्वाडोर देश के, लेकिन दोस्तों पिछले कई सालों से ये इंग्लैंड में ही रह रहे हैं। साथ ही दोस्तों ये कमाल के आर्टिस्ट तो हैं ही, उससे भी अच्छे इंसान हैं। दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो भी स्ट्रीट से कमाते हैं वो स्ट्रीट के बच्चों पर लगा देते हैं। वाकई में दोस्तों आर्टिस्ट का दिल भी सोने जैसा होता है। लेकिन दोस्तों इनका कहना है कि इस आउटफिट को रोज बनाने के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं।
और ये बहुत ही मेहनत का काम है। नंबर 6, दोस्तों अब ये देखिए, जिसे कहा जाता है क्लाउन इमिटेटिंग बेबी। इसे देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि किसी भी कलाकार का विजन कितना खूबसूरत और कितना क्रिएटिव हो सकता है। दोस्तों ये देखिए, स्ट्रीट पर आपको एक बेबी नजर आ रही होगी, है कि नहीं? लेकिन दोस्तों ये बेबी नहीं बल्कि बेबी के पापा हैं। दोस्तों दरअसल मामला ये है कि ये फेक बॉडी है। इस प्रेम पर जो आपको बच्चा दिख रहा है वो दरअसल कोई बच्चा नहीं है, बल्कि दोस्तों ये हैं एक आर्टिस्ट जिन्होंने फेक बॉडी ऐसी बना रखी है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कैसे इन्होंने अपने आप को बच्चों की तरह ढाला है। दोस्तों इनके बारे में बस एक ही बात कही जाती है कि ये जानते हैं कि अपने परफॉर्मेंस से कैसे स्ट्रीट पर आते जाते लोगों का दिल जीता जाता है। साथ ही दोस्तों इन्हें ये भी पता है कि लेडीज सबके साथ में कैसे मस्ती करनी है। ये देखिए दोस्तों, इनके पास कितने सारे लोग आते हैं पिक्चर क्लिक करवाने के लिए। कमाल है भाई, कमाल है। बच्चे की आवाज से लेकर ये बच्चों की हर तरह की एक्टिंग करना जानते हैं। तभी तो दोस्तों स्ट्रीट परफॉर्मर होने के बाद भी रोज बैग भर के पैसा ले जाते हैं। गुड गोइंग मैन, गुड गोइंग। नंबर 7, दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं ट्रांसफॉर्मर की कहानी। दोस्तों ये अलग किस्म के ट्रांसफॉर्मर हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपने अब तक इस तरह का कुछ भी नहीं देखा होगा जो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों ये देखिए, स्ट्रीट पर चलती हुई कार को, है कि नहीं दोस्तों? अब आपके मन में ये बात चल रही होगी कि आखिर इस तरह की चीज में क्या है खास। तो दोस्तों अब ये भी देख लीजिए, ये देखिए कैसे अचानक ही कार उठकर खड़ी हो गई है। क्या आपने इमेजिन भी किया था कि ये कोई इंसान हो सकते हैं? दोस्तों ये देखिए कैसे इन्होंने अपने आप को बनाया हुआ है कि कोई ये पता ही न कर सके कि ये इंसान है। भाई कमाल की तरकीब है किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन दोस्तों वाकई में इस तरह के काम के लिए बहुत मेहनत लगती होगी। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस आर्टिस्ट का कहना है कि इसे 4 घंटे सिर्फ तैयार होने में ही लगते हैं और 2 से 3 घंटे इनके लग जाते हैं मेकअप रिमूव करने में। लेकिन दोस्तों वाकई में इस तरह के आर्टिस्ट किसी भी बच्चे का दिल जीत लें। दोस्तों आप भी हमें इस टॉपिक पर कमेंट करते हुए अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों प्लीज हमारे साथ मैंने वीडियो के अंत तक बने रहें। नंबर 8, दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं यूरोप के सबसे पॉपुलर स्ट्रीट परफॉर्मर में से एक, यानी कि रोमन वॉरियर को। दोस्तों सबसे पहले तो आप इनकी पर्सनालिटी को ही देख लीजिए। दोस्तों कहा जाता है कि ये कभी भूलते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों जो इनका फेशियल एक्सप्रेशन है वो दुनिया को बताने के लिए काफी है कि ये कितने खतरनाक परफॉर्मर हैं। ये देखिए दोस्तों कैसे लोगों के साथ तस्वीर क्लिक करवा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि ये एक से बढ़कर एक एक्सप्रेशन देते हैं। कमाल के आर्टिस्ट हैं ये दोस्तों, लेकिन वाकई में ये किसी वॉरियर से कम नहीं लगते हैं। इनके पास सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं और वो खूब मस्ती भी करते हैं। दोस्तों ये देखिए बच्चों की मस्ती। नंबर 9, दोस्तों जब बात होती है स्ट्रीट परफॉर्मर की तो उसमें अगर बात न हो म्यूजिक की तो चीजें अधूरी ही रह जाती हैं। दोस्तों इसीलिए हम आपको दिखाते हैं ग्रैंडे पियानो वाले स्ट्रीट परफॉर्मर की कहानी। जी हाँ दोस्तों, आपने पियानो प्ले करते हुए तो बहुत सारे लोगों को सुना होगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे आपने नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कैसे यहाँ पर एक बड़े से पियानो को प्ले किया जा रहा है। दोस्तों ये देखिए कैसे यहाँ हाथों से नहीं बल्कि इस पियानो को प्ले किया जा रहा है पैरों से। इतने बड़े पियानो को इस तरह से प्ले करना वाकई में स्किल चाहिए होती है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो आप 3 से 4 परफॉर्मर को देख रहे हैं ये वर्ल्ड क्लास हैं और इन्होंने कई मौकों पर एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन ये बहुत अलग है क्योंकि यहाँ इनको अपने हाथों से नहीं बल्कि इन्हें परफॉर्म करना था अपने पैरों से। वैसे आपको कैसा लगा दोस्तों इनका परफॉर्मेंस, आप हमें कमेंट करके बताएं। नंबर 10, दोस्तों इन्हें कहा जाता है द बकेट बॉय। जी हाँ दोस्तों, इन्हें ड्रम बजाने के लिए किसी बड़े इक्विपमेंट की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों ये तो ड्रम को बस बजा देते हैं अपने बकेट से। दोस्तों ये हैं अमेरिका के रहने वाले। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े ही एक्सपर्ट हैं इस काम में। साथ ही दोस्तों ये जिस तरह से बकेट से परफॉर्मेंस देते हैं उसे देखते हुए लगता नहीं कि ये किसी भी म्यूजिशियन से थोड़े भी कम हैं। आपको हैरानी होगी लेकिन दोस्तों ये बात 100% सच है कि इन्होंने एक से बढ़कर एक कॉन्सर्ट में अपने इन्हीं बकेट से परफॉर्मेंस देकर दिखाया है। दोस्तों लेकिन जो स्ट्रीट पर ये जलवा दिखाते हैं उसे देखने वालों की कोई कमी नहीं है। कहा जाता है कि शाम में ये 3 घंटे के लिए अपना परफॉर्मेंस देते हैं और ये सबका दिल जीत जाते हैं। दोस्तों इस तरह का जलवा करके दिखाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। और साथ ही दोस्तों ड्रम की जगह बकेट से म्यूजिक प्ले करना कितना मुश्किल काम है इस बात को आप भी बखूबी समझते होंगे। वैसे दोस्तों इनके बारे में एक बात जो बहुत पॉपुलर है वो ये भी है कि इन्हें सारे ट्रिक्स पता है कि कैसे आपकी जेब से पैसे निकलवाने हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कैसे इन्होंने अपने एक बकेट को ही मनी कलेक्टिंग बकेट बना रखा है। कमाल की बात है भाई, मैं तो इनका फैन हो गया। नंबर 11, दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं माइकल जैक्सन को। जी हाँ दोस्तों, जिसके सब दीवाने हैं। दोस्तों ये हैं माइकल जैक्सन के लुक लाइक जो कि अमेरिका के स्ट्रीट पर करते हैं डांस।
दोस्तों कोई इन्हें देखकर कह नहीं सकता कि ये माइकल जैक्सन नहीं है। दोस्तों जिस तरह की ये परफॉर्मर हैं, उसे देखकर लगता है कि कई सालों से इन्होंने माइकल जैक्सन की नकल की है। भाई वाह, वाकई में बहुत ही टैलेंटेड हैं। ये देखिए दोस्तों, सिंगिंग के साथ साथ कैसे ये डांस के भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी तरह का परफॉर्मेंस देने में सक्षम हैं। दोस्तों सोशल मीडिया पर भी इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जो कि इन्हें जूनियर माइकल जैक्सन के नाम से जानती हैं। नंबर 12। दोस्तों अब आप अंत में इस रिंग डांस को भी देख लीजिए। ये परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं अमेरिका के ही एक परफॉर्मर। जी हाँ दोस्तों, इसको देखकर समझ आता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये पीछे 6 साल से इस स्ट्रीट पर अपना जलवा दिखा रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। दोस्तों ये देखिए कैसे ये रिंग के सहारे मस्त नाच रहे हैं। दोस्तों आपको इनमें सबसे ज्यादा कौन से स्ट्रीट डांसर पसंद आए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। तो अब हमें दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले वीडियो में।